हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और तैयारी चल रहा होगा। तो हम लाइव क्लास सेटअप के लिए थोड़ा बिजी हो गए थे दोस्तों। अब जो आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का पेपर होगा वो लाइव लेंगे। तो देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड 456 सॉलिड स्लैब प्रोविजंस। लास्ट वाले क्लास में फ्लैट स्लैब का प्रोविज़न हम लोगों ने पढ़ा था, ये सॉलिड स्लैब का प्रोविज़न। सबसे पहले मिनिमम नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए। नॉमिनल कवर, ये इसका जो वैल्यू है ना, मिनिमम मैंने आपको बता रखा था 20 mm। बट अपने उससे आगे की भी स्टेटमेंट है, इट कैन बी रिड्यूस टू 15 mm। इसे, ये जो 20 mm है, इसे 15 mm भी किया जा सकता है फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन एंड डायामीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट 12 mm और लेस। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम 20 mm का नॉमिनल कवर हम प्रोवाइड करते हैं स्लैब के अंदर। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम डाई ऑफ रिइंफोर्समेंट आपको कितना प्रोवाइड करना है स्लैब के अंदर, इसके लिए एक फॉर्मूला अपने पास है ना। ये डाई ऑफ रिइंफोर्समेंट के लिए फॉर्मूला है 5 max, दैट मस्ट बी लेस देन d/8 वैल्यू। लेस देन क्यों बोल रहा हूँ भाई, ग्रेटर देन मतलब तो d/8 आपने कैलकुलेट कर लिया, इसका जो भी वैल्यू है 10-12 जो भी आया, ग्रेटर देन तो 25-30 कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लिमिट क्यों लगा रहे हैं, फॉर्मूला ही क्यों लिख रहे हैं अपन, है ना। तो ये d/8 से कम होना चाहिए मैक्सिमम डाया स्लैब के अंदर, ये जनरल प्रैक्टिस है। नेक्स्ट, रिइंफोर्समेंट हम कितना प्रोवाइड करेंगे स्लैब के अंदर। मिनिमम रिइंफोर्समेंट के लिए एक परसेंटेज है। अब वो परसेंटेज देखिए कितना है। अगर आप माइल्ड स्टील यूज कर रहे हो Fe 250 का बार, तो 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया आपका मिनिमम स्टील स्लैब के अंदर आपको प्रोवाइड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, सब कोडल प्रोविजन एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर। 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया आपको मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। ग्रॉस एरिया मतलब विड्थ इनटू डेप्थ, ओवरऑल ओवरऑल है ना, HYSD स्टील के लिए। अभी ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डायरेक्शन। ये बोथ डायरेक्शन क्या है एक्चुअली, देखिए जब भी हम स्लैब डिजाइन करते हैं उसका रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग का मैं आपको आइडिया दूंगा, है ना। ये सब रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग का आपको वैसे अब जरूरत नहीं है आजकल के एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया दूंगा। तो आप देखिएगा वहां पे रिइंफोर्समेंट, हम जो मेन स्टील है मतलब जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, है ना, एक तो मेन स्टील हम प्रोवाइड करते हैं इस तरह से जो कि बॉटम लेयर में होता है, इसके ऊपर से और एक स्टील हम प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। जनरली इस तरह से जाली जैसा स्टील को बना के प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें से एक होता है मेन स्टील, है ना, मेन लॉन्गिट्यूडनल स्टील, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को प्रोवाइड किया जाता है, अगेन वही श्रिंकेज वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से एक मेस बनाते हैं रिइंफोर्समेंट का, और ये रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है स्लैब के अंदर। बॉटम लेयर में मेन टेंशन स्टील रहता है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। मेन टेंशन टेंशन स्टील का जो डायरेक्शन होता है स्पैनिंग डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर में ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का स्पैनिंग डायरेक्शन होता है। ओके, तो ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है, मतलब मेन रिइंफोर्समेंट स्टील के लिए कोडल प्रोविजन अप्लीकेबल है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए भी ये मिनिमम इतना स्टील होना चाहिए, ये कोडल प्रोविजन अप्लीकेबल है। इसलिए लिखा है दिस वैल्यू इज अप्लीकेबल फॉर बोथ डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे लिख लो इस तरह से, मेन मेन स्टील एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ओके, अब बात करेंगे स्पेसिंग का। ठीक है, जो रिइंफोर्समेंट आपने अभी पढ़ा उसका स्पेसिंग से रिलेटेड अब हम बात करेंगे। तो देखिए, जो मैक्सिमम स्पेसिंग है मेन रिइंफोर्समेंट के लिए, देखिए मेन रिइंफोर्समेंट के लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग है, मतलब जो मेन टेंशन स्टील आप प्रोवाइड करेंगे उसके लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग है, इट्स नॉट बी मोर देन 3 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और 300 mm, विच एवर इज लेस लेसर वैल्यू। इस जो भी इन दोनों में से कम है ना, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए स्पेसिंग आपका। सिमिलरली मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार या फिर सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट, अच्छा ये मेन रिइंफोर्समेंट को हम प्राइमरी भी कहते हैं कभी कभी, प्राइमरी रिइंफोर्समेंट ना, ये मुख्य रिइंफोर्समेंट है। और मुख्य रिइंफोर्समेंट मतलब इसको बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग डिजाइन करते हैं एरिया ऑफ टेंशन स्टील, जैसा हम सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम वगैरह में, डबली रिइंफोर्स्ड बीम वगैरह में निकालते थे, उसी तरह ये हम स्लैब में निकालेंगे, है ना। मैंने बोला था
स्लैब इज प्रीडोमिनेटली सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, है ना, तो हम उसको डिजाइन भी करते हैं बेंडिंग के लिए, तो स्टील वगैरह जो कैलकुलेट करेंगे वो बेंडिंग के लिए वही होगा मेन रिइंफोर्समेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम प्रोवाइड कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार इज लेसर ऑफ कितना होगा, ये होगा 5D और 450 mm, इन दोनों से जो भी छोटा है उससे छोटा मिनिमम। क्लियर? तो ये कोडल प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके इसका लॉजिक लिख लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी बार आर प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ टेम्परेचर एंड श्रिंकेज इफेक्ट इन स्लैब। ओके अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे दो लेयर ऑफ रिइंफोर्समेंट मैंने आपको बता दिया, एक तो मेन स्टील दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, नीचे कौन रहेगा ऊपर कौन रहेगा, तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो मेन स्टील है इट विल बी प्रोवाइडेड इन बॉटम लेयर्स। हाँ आप बोल रहे हैं सर बॉटम लेयर में प्रोवाइड करेंगे, उसका भी तो कोई रीजन होगा, है मेरे भाई है। बोले क्या रीजन सर? दोस्त इफेक्टिव डेप्थ मैंने क्या बताया था, देखो लीवर आर्म का एक फॉर्मूला आरसीसी में हम लोगों ने लिखा था, D-0.42XU, ठीक है। तो अगर मैं मेन रिइंफोर्समेंट को निचले वाले लेयर में प्रोवाइड करूंगा, है ना, और इसके ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ऐसे रहेगा, तो देखो क्या इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू आपको ज्यादा नहीं मिल जाएगी, थोड़ी सी डी विल बी मोर की नहीं, अगर डी ज्यादा तो लीवर आर्म का वैल्यू ज्यादा की नहीं, लीवर आर्म का वैल्यू ज्यादा तो MOR ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छी बात है ना, बस यही लॉजिक होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एक नोट बना के लिखिए, जनरली जनरली मेन रिइंफोर्समेंट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड इन बॉटम लेयर्स, इज ऑलवेज प्रोवाइडेड इन बॉटम लेयर्स ओनली, बॉटम लेयर्स ओनली। वाई अगर कोई पूछ डाले तो बता देने का ये रिलेशन पूरा, लीवर आर्म MOR ज्यादा क्योंकि हमको डी ज्यादा मिलेगा। अब समझो ना, यहाँ पे अगर ये आपका मेन रिइंफोर्समेंट है, दिस इज योर मेन स्टील, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन नीचे रखते हैं आप और उसके ये डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नीचे रखते हैं आप और मेन स्टील को ऊपर रखते, तो फिर इफेक्टिव डेप्थ क्या है? एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से लेके टेंशन रिइंफोर्समेंट के सीजी तक का डेप्थ को ही हम इफेक्टिव डेप्थ कह रहे हैं। तो अगर मेन रिइंफोर्समेंट ऊपर रहता है जो टेंशन स्टील है, तो इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू कम मिलती ना, लीवर आर्म कम मिलती ना, MOR कम मिलती ना, जो कि हमको चाहिए क्या? नहीं, हमको MOR ज्यादा चाहिए यार, है ना। तो ये लॉजिक है आपका, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्लेक्शन कंट्रोल इन स्लैब। देखिए जैसा आपको मैंने डिफ्लेक्शन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट बीम के लिए समझाया था उसी जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पेरेंट फॉर्मूला है तो वो तो वही यूज होगा ना, एल इफेक्टिव बाई डी मस्ट बी लेस देन, क्या था भाई, K1, K2, K3, K4 इंटू सम बेसिक वैल्यू, इंटू सम बेसिक वैल्यू था कि नहीं, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे कौन सा वैल्यू क्या लेना है, सुनो बात, जब भी क्वेश्चन आ जाए, K1 का वैल्यू तो जनरली स्पैन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो डिपेंडिंग ऑन स्पैन ग्रेटर देन 10 मीटर है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग आप K1 चूज कर लोगे। ओके स्पैन के ऊपर ये डिपेंड करेगा, मतलब डिपेंड्स ऑन स्पैन, डिपेंड ऑन स्पैन। K2 का जो वैल्यू है ये याद रखिएगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो 1.25 आपको लेना है फॉर वन वे स्लैब, वन वे स्लैब, ओके okay? या फिर 1.5 आपको लेना पड़ेगा फॉर टू वे स्लैब, फॉर टू वे स्लैब, दिस इज योर व्हाट K2 वैल्यू। नाउ K3 इक्वल टू सीधा सीधा 1 लीजिए और K4 इक्वल टू सीधा सीधा आप लीजिए 1,
स्लैब को तो हम हमेशा मतलब ऐसा ही है ना यार, वो तो रेक्टेंगुलर जैसा ही डिजाइन हो रहा है ना। स्लैब इज ऑलवेज डिजाइंड एज रेक्टेंगुलर सेक्शन ओनली, ऐसा नहीं है कि टी सेक्शन का स्लैब बना दिया, ना ना, वो बीम होता है, स्लैब नहीं है ना। तो स्लैब इज ऑलवेज डिजाइंड एज रेक्टेंगुलर सेक्शन ओनली, है ना। तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल इन स्लैब, एक जनरल केस है जिसमें ये सब ध्यान रखिएगा। K1 स्पैन पर डिपेंड करता हुआ हम K1 का वैल्यू निकाल लेंगे, बेसिक वैल्यू तो सेम, वो सपोर्टिंग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। बेसिकली कैंटिलीवर टाइप का स्लैब भी बना सकते हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, बनता है कहीं के। वो पॉर्टिको वगैरह देखे हो, मतलब जैसे अरे कोई बहुत बड़ा बड़ा महल टाइप का घर होता है तो उसके आगे एक छज्जा टाइप का होता है बड़ा ऐसा, हाँ, जिसके नीचे कार वार या फिर LED लाइटिंग वगैरह लगाते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, इसको पॉर्टिको बोला जाता है। ये कैंटिलीवर है ना, ओके, वो कैंटिलीवर होती है, मतलब इस तरह का बिल्डिंग है एक मस्त, ठीक है, लेट्स सपोज। और यहाँ पे उसके एकदम एंट्रेंस पे इस तरह के एक पूरा एक कैंटिलीवर रहता है, जहाँ पे कार वार एकदम मस्त पूरा LED लाइटिंग वगैरह रहती है, यहाँ से फोकस, ये कैंटिलीवर स्लैब है, ओके। तो ये सब चीजें हैं भाई, तो ध्यान रखिएगा। एक स्पेशल कंडीशन है इसके अंदर, वो स्पेशल कंडीशन को देखते हैं। अब वो जो स्पेशल केस है वो ये एक टू वे स्लैब के लिए ये स्पेशल केस है भाई, है ना। जब एक टू वे स्लैब, एंड टू वे स्लैब वो भी रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ये भी सॉलिड स्लैब ही है, टू वे है, रेक्टेंगुलर है, प्रो सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर साइड, चारों बगल से सपोर्टेड है, वो वाला कंडीशन है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हैविंग शॉर्टर स्पैन अप टू 3.5 मीटर, जो शॉर्टर स्पैन है वो लगभग 3.5 मीटर तक है, और जो उसपे लोडिंग है ना स्लैब के ऊपर, ये लगभग 3 kN/m² का एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है लोड का, लेट्स सपोज। ये अगर केस है तो इस केस में जो एल इफेक्टिव बाई डी हमने आपको लिखवाया था इससे पहले, क्या K1 K2 K3 K4 × बेसिक वैल्यू, तो वो फॉर्मूला आप यूज मत करना, उसके लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला निकल के आती है, एल इफेक्टिव बाई ओवरऑल डेप्थ, यहाँ पे देखा जाता है ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ नहीं, है ना। दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ओके, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन, एक वैल्यू मैं आपको दूंगा जो एक टेबल के फॉर्म में आपको बताऊंगा, है ना, उस वैल्यूज को यूज करना है। यहां पे लिखिए सपोर्टिंग कंडीशन, सपोर्टिंग कंडीशन, नेक्स्ट देखिए, फिर बनाइए रिइंफोर्समेंट, जैसे Fe250 अगर है सरिया, या HYSD स्टील है तो HYSD रिइंफोर्समेंट, है ना, मतलब 415 वाला। तो देखिए सपोर्टिंग कंडीशन दो ही क्या, एक तो सिंपली सपोर्टेड हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड, दूसरा कंटिन्यूअस। कैंटिलीवर के लिए जो है वही यूज करोगे, है ना, सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूअस के लिए दिया गया है, कंटिन्यूअस। देखिए वैल्यूज देखिए, अगर Fe250 के लिए है तो 35 यहां पे आ जाएगी और इसके लिए 40 आ जाएगी, HYSD के लिए, है ना, सेम सपोर्टेड कंडीशन, सिंपली सपोर्ट एंड कंटिन्यूअस। HYSD के लिए क्या होगा, ये 0.8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.8 × 35, मतलब उसका 80% ही कंसिडर करना है, 0.8 × 40, तो 0.8 × 35 विल बी 28, 0.8 × 40 विल बी 32, ये 80% ही कंसिडर करना है। ये चीज भी पूछते हैं एग्जाम में, 35, 40, 28, 32, ये वैल्यू भी अलग से पूछते, समझ में आ रहा बात, ये वैल्यू भी अलग से पूछा जाता है आपसे, ओके, नेक्स्ट। और एक लॉजिक यहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे कि एक कंटिन्यूअस बीम में मान लीजिए, और पहला वाला जो स्पैन है वो सिंपली सपोर्टेड है, लेट्स सपोज, और इस तरह से वो कंटिन्यूअस है, और आपसे पूछ देंगे कभी कभी ना, फर्स्ट और सेकंड का एवरेज मिला के बताओ, जब फर्स्ट एंड सेकंड का एवरेज मिला के बताओगे तो इसको एज ए कंटिन्यूअस आपको कंसिडर करके 35 कंसिडर करना है ना, मतलब अगर लेट्स सपोज Fe250 है और सेकंड वाले स्पैन को एज ए कंटिन्यूअस कंसिडर करके 40 कंसिडर करना है, 35 + 40/2 एवरेज बतानी है, ऐसा भी होता है कभी कभी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको ये वैल्यूज कंसिडर करनी है एल इफेक्टिव बाई ओवरऑल डेप्थ के लिए, वेर डी इज, या लिख लो तो कंफ्यूजन होगा, डी जो है इट इज ओवरऑल डेप्थ, एक मिनट भाई, इट इज ओवरऑल डेप्थ,
ये आपका स्पेशल केस था डिफ्लेक्शन का। ओके, अब जो एक अपने पास कॉन्सेप्ट है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बन सकती है, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर कोफिशियंट। ओके, अब ये क्या है देखा जाए। अब देखो यार, भाई मेरे, दोस्त मेरे, ये बेंडिंग मोमेंट एंड शियर कोफिशियंट का क्या लॉजिक है? बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बहुत जरूरी लॉजिक है। देखिए, जो कंटीन्यूअस बीम वगैरह, इसका बैकग्राउंड मैं आपको देता हूँ पहले। जो कंटीन्यूअस बीम वगैरह होता है, जैसे है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, इंटरमीडिएट सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल स्पैन्स हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात स्पैन। अब इस पे किसी भी तरह का लोडिंग हो सकता है यार, बहुत कम्प्लेक्स लोडिंग हो सकती है। मान लीजिए जनरली अगर यूडीएल को कंसिडर कर रही है, यूडीएल टाइप का लोडिंग होगा। अब हमें क्या करना है, सभी सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट होंगे, कितना इनडिटरमिनेट है, कितना हाईली इनडिटरमिनेट, इमेजिन करो। फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस के सभी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके ये अननोन सपोर्ट रिएक्शंस वगैरह कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका एसएफडी प्लॉट करेंगे, फिर बीएमडी प्लॉट करेंगे, फिर वहां से मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट्स, मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट्स वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट वैल्यू, मैक्सिमम शियर फोर्सेस वैल्यू, ये सब चीजों को हम फाइंड आउट कर रहे होंगे। इतना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चलेगा। इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए कोड ने बेंडिंग मोमेंट कोफिशियंट एंड शियर फोर्स कोफिशियंट दिया है, जिसको यूज करके जहां पर भी हमें चाहिए वहां पर बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे ड्यू टू डेड लोड एंड लाइट लोड इजीली। वो कंटीन्यूअस बीम के लिए दिया गया है ना, मतलब इस तरह का। तो इसमें ये स्लैब हो गया मान लीजिए आपका, ओके, ये कंटीन्यूअस इस तरह का स्लैब हो गया, और जगह जगह पे जहां जहां बीम है वहां सपोर्टिंग हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं? तो चलिए इसको लिखते हैं पहले, आपको सब समझ में आ जाएगा, मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा अभी आपको। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, to simplify this code has given standard value for bending moment and shear force, है ना, एक table दिया है to calculate the bending moment and shear force, this table, चलिए मैं आपको बता, ठीक है। तो ये continuous beam के complex problem को simplify करने के लिए code आता है, ब्रह्मास्त्र दिए। अब वो जो ब्रह्मास्त्र है, लेकिन वो हर जगह आप apply नहीं कर सकते, है ना, हर जगह आप apply नहीं कर सकते, कुछ इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ कंडीशंस है, कुछ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब वो कंडीशन क्या क्या है देखिए एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जो वेरिएशन इन स्पैन है, इट शुड नॉट बी मोर देन 15%। मतलब स्पैन लेंथ का अगर मैं बात करूं कि एक स्पैन लेंथ बहुत बड़ा, फिर दूसरा स्पैन लेंथ छोटा, फिर बहुत छोटा, फिर बहुत बड़ा, मतलब जो वेरिएशन है ना स्पैन लेंथ के बीच में, इट शुड नॉट बी मोर देन 50%। मेंबर के ऊपर यूडीएल टाइप ऑफ लोडिंग ही होना चाहिए, डेड लोड तो हमेशा यूडीएल ही होता है, ठीक है, लाइव लोडिंग भी यूडीएल होना चाहिए, और कम से कम तीन या उससे ज्यादा स्पैन होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? स्पैन शुड नॉट वेरी बाय मोर देन 15%, लोडिंग शुड बी यूडीएल, स्पैन शुड बी 3 और मोर, मतलब मिनिमम तीन या उससे ज्यादा स्पैन तो होना ही चाहिए। अगर अरे क्यों, ये कोड कब आया है, कब आया सामने, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, सब यूज करो हमारा आइडिया, छोटू मोटू चीज है यार, तो कैलकुलेट कर लो, है ना। लेकिन अब बहुत बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, अभी 60-70 स्पैन वाली है, मान लो जो छोटा छोटा जो स्पैन है वो 60-70 है, अभी हाईली इनडिटरमिनेट हो जाएगा, तो उसके लिए एनालिसिस करने बैठेगा क्या? सीधा अप्लाई करिए मेथड मोमेंट कोफिशियंट वाला, शियर फोर्स कोफिशियंट वाला। चलिए इस मेथड को अप्लाई करके कैसे, क्या अप्रोच दिया कोड ने, देखते हैं। कहाँ पे बनाऊँ, नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ये हो जाएगा, एक्चुअली थोड़ा ड्राइंग अच्छे से बनाते तो ठीक रहता। रुकिए मैं दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ ड्राइंग के लिए। देखिए एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट के लिए देखेंगे, है ना। पहले समझिए, ये मान लीजिए आपका एक कंटिन्यूस बीम है भाई, ओके, इस तरह से कंटिन्यूस बीम है, ऐसा कंटिन्यूस बीम है, इसके ऊपर जो लोडिंग है ना आपका थ्रू आउट द लेंथ यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड
अपन दिखा दे रहे हैं। ओके, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर आपका सब्जेक्टेड टू यूडीएल, वेरी गुड। सपोर्ट्स यहाँ पे दिखा दीजिए, लेट्स सपोज ये एक सपोर्ट आ गया, ये एक सपोर्ट आ गया, मान लो ऐसा, यहाँ पे एक सपोर्ट है और ये, तो दो स्पैन हो ही गया ना, ठीक है। अब दो स्पैन के लिए समझ आएंगे तो बाकी सब चीज समझ आएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, देखिए इसका अगर आप इन जनरल, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आप, अगर आपसे पूछूं कि इस बीम के लिए इन जनरल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आपको मालूम है क्या, जो ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है, मतलब ये बीच वाले, ये सारे जो सपोर्ट्स होते हैं, यहाँ के आसपास नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है, स्पैन में पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है ना, होती है। तो लेट्स सपोज ये सिंपली सपोर्टेड था, पहला वाला सपोर्ट। तो जो अगर मैं इसका रफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, तो ये कुछ इस तरह से यूडीएल है, तो पैराबोलिक होगा, लेकिन स्पैन में पॉजिटिव, फिर सपोर्ट के आसपास नेगेटिव, फिर स्पैन में पॉजिटिव जाएगा, ये थोड़ा सा कम पॉजिटिव हो गया, एक मिनट, फिर स्पैन में पॉजिटिव जाएगा, फिर सपोर्ट्स के आसपास नेगेटिव, फिर स्पैन में चला गया पॉजिटिव, ऐसा है ही नहीं। इस तरह से आपका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वेरी करता है फॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूअस मेंबर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ लोड। स्पैन में पॉजिटिव, सपोर्ट्स के आसपास नेगेटिव, ये हमेशा इस तरह से रहेगा। ओके, तो ये है। अब देखिए कोड ने बेंडिंग मोमेंट कोफिशियंट का वैल्यू दिया है, बेंडिंग मोमेंट कोफिशियंट, मैं इनके वैल्यूज को नीचे लिखूंगा, पहले वैल्यूज लिखिए, समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए दो तरह के लोडिंग के लिए दिया है, एक तो फिक्स्ड लोड, फिक्स्ड लोड कहने का मतलब है क्या, डेड लोड के लिए क्या बेंडिंग मोमेंट कोफिशियंट यूज करोगे, दूसरा नॉन फिक्स्ड लोड, मतलब लाइव लोडिंग के लिए, लेकिन दोनों यूडीएल ही होना चाहिए, है ना। नॉन फिक्स्ड लोड कंडीशन प्रोवाइडेड था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ लोड होना चाहिए, स्पैन में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, सपोर्ट्स के आसपास नेगेटिव इफेक्ट आता है, ठीक है, फिक्स्ड एंड नॉन फिक्स्ड लोडिंग बोथ के लिए, सपोर्ट के आसपास हमेशा नेगेटिव मूवमेंट, स्पैन में पॉजिटिव मूवमेंट। तो देखिए जो पहला स्पैन है, तो बेंडिंग मोमेंट कोफिशियंट वैल्यू लिख रहा हूँ, देखिए 1/12 इसके लिए हो जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव है तो -1/10 यूज कर लेंगे, फिर दूसरे स्पैन के लिए, दूसरे स्पैन के लिए स्पैन में +1/16 यूज हो जाएगा, फिर सपोर्ट के पास -1/12 हो जाएगा। अब उसके बाद यही पैटर्न फिर चलते रहेगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मतलब फिर चालू होगा 1/12, फिर चालू होगा -1/10, फिर +1/16, फिर -1/10, इस तरह से ये पैटर्न आपका चलते रहेगा। नॉन फिक्स्ड लोडिंग के लिए 1/10, -1/9, +1/12, -1/9, दीज आर दी कोफिशियंट। अब इसको यूज कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगा, है ना, पहले ये डायग्राम आप बना लीजिए। इसी तरह से आपका शियर फोर्स कोफिशियंट दिया गया है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं शियर फोर्स के लिए। तो शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, इसका मतलब एक जनरल डायग्राम अगर हम एसएफडी के लिए बनाएं, तो देखिए आपको मालूम है शियर फोर्स डायग्राम जो होगा किस तरह से, ये सेंटर ऑफ सपोर्ट ले लो, एक मिनट दोस्त, ये सेंटर ऑफ सपोर्ट लेते चलो, सेंटर ऑफ सपोर्ट ले लिया, ठीक है। अब देखिए जो शियर फोर्स आपका वेरी करेगा ना, वो किस तरह से वेरी करेगा, ये एक मिनट, लीनियर वे में वेरी करता है ना, लीनियर डायग्राम रहती है शियर फोर्स की फॉर मेंबर सब्जेक्टेड टू यूडीएल, है ना। नाउ ऐसा आ जाएगा, ठीक आ गई थी, सॉरी। देखिए लीनियर डायग्राम बनेगी तो इस तरह से बनेगी, फिर यहाँ पे रिएक्शन होगा तो ऊपर जाएगा डायग्राम पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगा डायग्राम रिएक्शन होगा, फिर नेगेटिव में आ जाएगी, ऐसा। इस तरह से आपका कुछ एसएफडी आपको दिखना चाहिए, लीनियर वेरिएशन है कि नहीं। ओके, मतलब ये
पॉजिटिव शेयर फोर्सेस, फिर सपोर्ट के आसपास नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से आपका शेयर फोर्स चलेगा। तो जो आप शेयर फोर्स का कोफिशियंट है, शेयर फोर्स कोफिशियंट वो क्या है, देखिए देखिए शेयर फोर्स यहाँ पे दो चीज दो है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये स्पैन वन स्पैन टू स्पैन थ्री इस तरह से दिया गया है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव दिया गया है, ओके। अब देखिए तो शेयर फोर्स कोफिशियंट, शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे, सपोर्ट्स के आसपास ही ना, है ना। तो ये जो कोफिशियंट है ये सपोर्ट के आसपास के लिए ही है, ओके। तो देखिए जो कोफिशियंट हम यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे, एक मिनट मैं आपको बता दूं। फॉर डेड लोड और फिक्स्ड लोड, फिक्स्ड लोड फिर नॉन फिक्स्ड लोड, जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर फाइव, फिर इस वाले सपोर्ट के नेगेटिव नेगेटिव साइड पे यहाँ पे, है ना, फर्स्ट सपोर्ट पे जीरो पॉइंट सिक्स, इसमें भी जीरो पॉइंट सिक्स, फिर मतलब ये जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, है ना, जीरो पॉइंट फाइव फाइव और ये जीरो पॉइंट सिक्स, स्पैन में तो अपने को देखनी नहीं है। फिर यहाँ पे सपोर्ट के जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट जीरो पॉइंट फाइव 0.6, 0.5 और ये 0.6, ये हैं आपके शेयर फोर्स कोफिशियंट। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये डेटा पूरा याद रखनी है। आपको एग्जाम में डेटा नहीं देगा, आपसे बस कैलकुलेशन करवा लेगा किसी लोकेशन पे शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का। अब वो कैलकुलेशन अगर करवाएगा तो वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, वो चीज अब मैं आपको समझाऊंगा। ये पहले डायग्राम बना लीजिए। देखिए मैं तीन ऐसा सेक्शन कंसीडर कर रहा हूं जहां पे मैं सैंपल कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। एक तो ये जो पहला स्पैन है इसका सेंटर पे, लेट्स सपोज दिस इज सेक्शन ए ए, यहां पे क्या निकालूंगा मैं, बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा। फिर ये जो सपोर्ट है, ठीक है, लेट्स सपोज ये जो पहला सपोर्ट था उसके बीचों बीच ये जो ग्रीन लाइन बना रहा हूँ, लेट्स सपोज दिस इज योर सेक्शन सी सी, यहाँ पर भी बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी आपको। सपोर्ट के जस्ट लेफ्ट या राइट ले लो, तो लेट्स सपोज जस्ट लेफ्ट हम ले लेते हैं, जस्ट लेफ्ट में यहाँ पर लेट्स सपोज दिस इज सेक्शन बी बी, यहाँ पर मैं आपको शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, है ना। तो तीन सैंपल कैलकुलेशन में करके दिखाऊंगा, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन ए, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी सी, शेयर फोर्स एट सेक्शन बी बी, ठीक है। तो चलिए कैसे लिखेंगे, देखिए बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन ए ए, इस तरह से कैलकुलेशन होगा बेंडिंग मोमेंट का, फिर हम डिजाइन करेंगे, है ना, इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू, देखो स्पैन में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, स्पैन में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। अब सेक्शन ए ए के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे बेंडिंग मोमेंट कोफिशियंट ड्यू टू डेड लोड एंड ड्यू टू लाइव लोडिंग, तो ये है, दीज आर द बेंडिंग मोमेंट कोफिशियंट वैल्यूज, ओके। तो यूज इट, तो देखिए 1/12 इंटू डेड लोड डब्ल्यू डी इंटू स्पैन का स्क्वायर प्लस 1/10 लाइव लोड इंटू स्पैन का स्क्वायर, लाइक दिस। सिमिलरली अगर मैं बेंडिंग मोमेंट बताऊं एट सेक्शन सी सी, तो वहां पे देखो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होंगे और बेंडिंग मोमेंट कोफिशियंट क्या है, -10 -1/10 एंड -1/9, डायग्राम वो अपना डायग्राम में देखिए। तो बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू सी सी पे जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आपको मिलेगी, -1/10 डब्ल्यू डेड लोड एल स्क्वायर प्लस प्लस -1/9 डब्ल्यू लाइव लोडिंग इंटू एल स्क्वायर, लाइक दिस। इस तरह से आप बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। नाउ शियर फोर्स एट सेक्शन बी बी अगर हमको लिखना है, एट सेक्शन बी बी तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए शियर फोर्स एट सेक्शन बी बी, तो आप शियर फोर्स कोफिशियंट आपका क्या है सेक्शन बी बी के लिए, शियर फोर्स कोफिशियंट ये है
सेक्शन एट बीबी, मतलब इट इज एट जस्ट लेफ्ट ऑफ ये सेकंड नंबर सपोर्ट, मतलब जो शियर फोर्स कोफिशियंट आप यूज करोगे 0.6 एंड 0.6, ये शियर फोर्स कोफिशियंट आप यूज करेंगे लाइव लोड एंड डेड लोड दोनों के लिए। तो शियर फोर्स विल बी 0.6 इंटू डेड लोड इंटू स्पैन लेंथ प्लस 0.6 इंटू लाइव लोड इंटू स्पैन लेंथ लाइक दिस। इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, समझ में आ रहा है, कहीं पर भी शियर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का ड्यू टू डेड लोडिंग एंड लाइव लोडिंग ऐड कर देते हैं, फिर जो वैल्यू निकलेगी इसके करस्पॉन्डिंग हम डिजाइन कर देंगे। आपको डिजाइन कैसे करना है, बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग रिइंफोर्समेंट, शियर फोर्स के करस्पॉन्डिंग स्टीरअप, ये चीज आपको मालूम है, समझे क्या, यही लॉजिक है। वेल वेल वेल, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिजाइन पोर्शन, डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब। ओके, आपको मैं एक चीज बता दूं, देखिए अब जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, कोई भी एग्जामिनेशन थ्रू आउट द इंडिया, है ना, चाहे आप गेट का बात करें या आप बात करें ESC प्रीलिम्स का या आप बात करें एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम और जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम, वाट एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, ठीक है, जो MCQ पैटर्न में, क्योंकि सभी एग्जाम का कन्वर्जन हो चुका है ना, तो ये जो डिजाइन स्टेप्स हैं स्लैब के, अब यहाँ से जो ओवरऑल जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते थे वो एक ही पर्टिकुलर ऐसा एग्जाम बचा है ना, जो रेगुलर पैटर्न का है, जहाँ पे कन्वेंशनल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, बाकी और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम पढ़ेंगे ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, है ना, डिजाइन से रिलेटेड, इसका रिइंफोर्समेंट से रिलेटेड एक बेसिक आइडिया हमें लग पाए, इसलिए हम पढ़ेंगे, ये अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये अपना पर्पज रहेगा, समझ में आ रहा है बात, है ना। हो सकता है कुछ ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी बनेंगे वो सारा चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ से अलग से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, एक बेसिक फीलिंग के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। देखो वन वे स्लैब स्टार्ट करते हैं, वन वे स्लैब कैसा था, वन वे स्लैब का जो जनरल कंडीशन, हम जो यहाँ पे डिजाइन करेंगे, रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड ऑन अपोजिट एजेस, पहले देखिए सपोर्टेड ऑन अपोजिट एजेस और स्पेशली लॉन्गर एज के अलोंग सपोर्टेड है। वन वे स्लैब में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग आपका क्या होता था, बेंडिंग सिग्निफिकेंट वे में होता था, जो कि शॉर्टर स्पैन के अलोंग, यहाँ पे आप बेंडिंग देखोगे तो सिग्निफिकेंट बेंडिंग इस तरह से होती थी, समझ में आ रही है। तो हम जो रिइंफोर्समेंट कैलकुलेशन करेंगे मेन या टेंशन रिइंफोर्समेंट, वो शॉर्टर स्पैन के अलोंग हम प्रोवाइड करेंगे, क्यों, देखो यार बीम जब आप डिजाइन करते थे, हम इसको एज ए रेक्टेंगुलर बीम ही डिजाइन करेंगे, है ना, इसके क्रॉस सेक्शन को एज ए सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन हम डिजाइन करेंगे, कैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझो रिइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप रेक्टेंगुलर बीम को डिजाइन करते थे फॉर बेंडिंग, तो इस तरह से जब बेंडिंग होती थी बीम की, ऐसे ही बेंडिंग होगी ना, तो रिइंफोर्समेंट आप कैसे प्रोवाइड करते थे, लॉन्गिट्यूडनली लाइक दिस, है ना। तो अगर स्लैब का ऐसा बेंडिंग हो रहा है अलोंग द शॉर्टर स्पैन, तो जो मेन रिइंफोर्समेंट जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो बॉटम लेयर में इस डायरेक्शन में अलोंग द शॉर्टर स्पैन हम ऐसा प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, दिस विल बी योर मेन रिइंफोर्समेंट, है ना। तो ये आप प्रोवाइड करेंगे मेन रिइंफोर्समेंट, और मेन रिइंफोर्समेंट के ऊपर और एक रिइंफोर्समेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो ये ग्रीन वाले हो गए आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, सीधा सीधा क्लियर बात है ना, और ये ब्लू वाला हो गया आपका मेन स्टील जो कि बॉटम लेयर में रहेगा, ठीक है। इस तरह के एक जाली हम प्रोवाइड कर देंगे रिइंफोर्समेंट का। इसको प्रोवाइड करने का तरीका है, कहाँ पे कैसे कटिंग करना है वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग का एक्सप्लेन करूंगा, क्या वो चीज मैंने आपको बता रखा है ना, रिइंफोर्समेंट बॉन्ड एंड डिटेलिंग वाले चैप्टर में मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा था। ओके, तो अब देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि हम मेन रिइंफोर्समेंट किधर प्रोवाइड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील किधर रहेगा, ठीक है। ओके, और इसके पीछे का लॉजिक भी आपको पता चल गया, मतलब जो बेंडिंग हो रही है उसके ऐसे लॉन्गिट्यूडनली आप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे ना, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, मेन रिइंफोर्समेंट हम कहते हैं, टेंशन स्टील, मेन टेंशन स्टील। तो यहाँ पे ये ब्लू वाले जो है जो कि बॉटम लेयर में आप प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी योर मेन टेंशन स्टील, है ना, और ये ग्रीन वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट। अब जब हम डिजाइन करते हैं ना स्लैब को, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं,
एज ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ही डिजाइन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक वन देखो स्लैब का तो विड्थ, ये आपका ये देखेंगे तो ओवरऑल लेंथ तो बहुत ज्यादा है ना, तो एक पट्टी हम एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे है ना, ऑफ यूनिट विड्थ, यूनिट विड्थ मतलब जो आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, ये आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है जिसमें ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ये वन यूनिट होगा और ये होगा आपका ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब, तो ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो पर यूनिट विड्थ कितना टेंसाइल रिइंफोर्समेंट चाहिए है ना, ए एस टी कितना चाहिए, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिट मतलब वन यूनिट विड्थ मतलब वन मीटर, जनरली हम वन मीटर कंसिडर करते हैं, वन मीटर विड्थ है ना, वन मीटर विड्थ, एक मिनट, तो पर मीटर भी है प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद जब कैलकुलेट हो जाएगी। तो वन मीटर विड्थ मतलब 1000 mm, मतलब ये डायमेंशन आपको मालूम होगा 1000 mm, इज इट क्लियर। दिस इज द क्रॉस सेक्शन जो कि रेक्टेंगुलर है, हमें इसे डिजाइन करनी है, ये ए एस टी कैलकुलेट करना है। तो क्या सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसा नहीं है, पूरा एग्जैक्टली वैसा ही है ना, और कुछ नहीं होता, वैसे ही हम इसको डिजाइन करते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसा। ये ए एस टी कैलकुलेट करने के बाद इसके ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर ये क्रॉस सेक्शन में मैं दिखाऊं आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैसा दिखेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ऐसे दिखेगी इसके ऊपर से, इस तरह से, दिस स्टील विल बी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ये आपका ए एस टी हो गया जो कि मेन स्टील, विजुअलाइज हुआ, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाइए और लिखिए, पहला यहाँ पर एक नोट बना के पहला लिखिए है ना, सिंस बेंडिंग इज डोमिनेटिंग इन ओनली वन डायरेक्शन, स्ट्रिप ऑफ यूनिट विड्थ, ओके, सिंस बेंडिंग इज डोमिनेटिंग ओनली इन वन डायरेक्शन, सो इट कैन बी डिजाइंड बाय अज्यूमिंग स्ट्रिप ऑफ यूनिट विड्थ, क्लियर है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो यहां तक ये बनाइए, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवाता हूँ कि डिजाइन हम कैसे प्रोसीड करते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स वी आर गोइंग टू चेक इट। तो स्टेप वन, मैं स्टेप वन स्टेप टू लिखने से अच्छा मैं सीधा पॉइंट में लिख देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले आप क्या करिए, हमको डेप्थ फाइंड आउट करनी है ना, सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, डेप्थ फाइंड आउट करना है, ओके। तो कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट डेप्थ फ्रॉम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है, बाय यूजिंग डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया हमें सबसे पहले अप्रोक्सीमेट डेप्थ निकालनी है, दैट इज एल इफेक्टिव, तो आपको मालूम ही होगा, डिवाइडेड बाई डी मस्ट बी लेस देन के वन के टू के थ्री के फोर इंटू बेसिक वैल्यू, ठीक है। बाई यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट डेप्थ रिक्वायरमेंट, जिसमें के वन स्पैन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको मालूम है के टू का वैल्यू कितना लेना है, देखिए इसमें के वन का वैल्यू डिपेंड ऑन स्पैन के टू आप कंसिडर कर लोगे 1.25 है ना, के थ्री का वैल्यू 1 ले लेना है, रेक्टेंगुलर सेक्शन हम डिजाइन कर रहे हैं इसलिए के फोर भी हो जाएगा आपका 1, लाइक दिस, ओके, दीज आर द थिंग्स। नाउ स्टेप टू, तो यहां से जो डेप्थ हमने कैलकुलेट किया है, ओके, फ्रॉम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, ये डेप्थ हम प्रोवाइड कर देंगे, ओके, प्रोवाइड मतलब इससे कुछ ज्यादा, ठीक है, जो भी आप डेप्थ कैलकुलेट करोगे ना फ्रॉम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, इससे थोड़ा ज्यादा डेप्थ आप प्रोवाइड कर दीजिए, प्रोवाइड डी इफेक्टिव डेप्थ हायर देन कैलकुलेटेड इन अबव स्टेप, एंड कैलकुलेट ओवरऑल डेप्थ डी कैसे, बाय अज्यूमिंग सुटेबल नॉमिनल कवर एंड रिइंफोर्समेंट डाया, सुटेबल जनरली 12 mm तक का रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, बाय अज्यूमिंग सुटेबल नॉमिनल कवर एंड फाई, मतलब क्या, डाया ऑफ रिइंफोर्समेंट, ठीक है।
ये कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद देखो, अब आपका इफेक्टिव स्पैन का एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। पहले जो इफेक्टिव स्पैन आपने यहाँ पे लिखा है, तो ये वैल्यू तो इफेक्टिव स्पैन का आपको मालूम ही नहीं था, क्योंकि आपको इफेक्टिव डेप्थ मालूम नहीं था। तो इसलिए जो ऊपर वाले स्टेप में जो हम एल इफेक्टिव लिखे हैं, वो जनरली मतलब क्लियर स्पैन को कंसिडर करके हमने सारा कैलकुलेशन कर दिया है ना। लेकिन अब चूंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल है इफेक्टिव डेप्थ वगैरह का, तो अब हम इफेक्टिव स्पैन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेप में क्या कर लेंगे, कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्पैन। कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, अब ये इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट हो गया। अब इस वैल्यू को यूज करके हम क्या, फोर्थ स्टेप में डिजाइन बेंडिंग मोमेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट वगैरह कैलकुलेट करना है, तो सैगिंग भी कैलकुलेट करेंगे, हॉगिंग भी कैलकुलेट करेंगे। सैगिंग मतलब स्पैन में और हॉगिंग मतलब सपोर्ट के आसपास। तो कैलकुलेट कैलकुलेट सैगिंग मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, सैगिंग एंड हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट बेस्ड ऑन सपोर्टिंग कंडीशन, बेस्ड ऑन सपोर्टिंग कंडीशन। अब कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, देखिए आप यूज करिए ना वो बेंडिंग मोमेंट कोफिशियंट और शियर फोर्स कोफिशियंट वाला जो टेक्निक था है ना, उसको यूज करिए। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, यूज लिखिए, यूज बेंडिंग मोमेंट कोफिशियंट, पर कंटिन्यूअस स्लैब, पर कंटिन्यूअस स्लैब। अगर कंटिन्यूअस स्लैब है तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट वाला कंसेप्ट यूज करिए, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है सिंगल एक पैनल है तो उसके लिए तो आप कैलकुलेट लाइव लोडिंग का वैल्यू दिया रहेगा, डेड लोड का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हो है ना, निकल जाएगा। तो वहां से बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगी वही डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, फिर अरे अगर सिंगल पैनल है ना, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, सिंगल पैनल का है, तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पे हॉगिंग मोमेंट आएगी ही नहीं, बस पॉजिटिव जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है उसी के लिए हमको डिज़ाइन करनी होगी। ओके, अगर कंटिन्यूस है तो सैगिंग हॉगिंग दोनों कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए बेंडिंग मोमेंट कोफिशियंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे है ना, इसलिए मैंने ये पूरा ओवरऑल स्टेप यहाँ पे लिखवा दिया। नाउ फोर्थ स्टेप ये हो गया, आपने ये बेंडिंग मोमेंट वगैरह कैलकुलेट कर लिया फॉर लाइव ड्यू टू लाइव लोड डेड लोड दोनों के कारण है ना, लाइव लोडिंग के लिए भी डेड लोडिंग के लिए भी ओवरऑल आपको निकालनी है। फिर स्टेप नंबर फाइव में आप डेप्थ रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करिए फ्रॉम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। कैलकुलेट कैलकुलेट डेप्थ रिक्वायरमेंट डेप्थ रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। अब ये स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से डेप्थ निकालने का क्या मतलब है, देखिए ऊपर स्टेप फोर में आपने क्या किया, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट ही तो निकाला, तो ये बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट को बी एम यू को हम इक्वेट कर देंगे एम यू लिमिटिंग से है ना, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट मालूम है, एम यू लिमिटिंग का वो फॉर्मूला मालूम है फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट एंड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, क्या क्यू बी डी स्क्वायर, आई नो दी कॉन्सेप्ट। इसमें बी का डायमेंशन अपने को मालूम कितना, बाकी ये क्यू का वैल्यू अपने को मालूम, ये कॉन्स्टेंट का, बी का डायमेंशन भी अपने को मालूम, क्यू इंटू 1000 इंटू डी का स्क्वायर। बी एम यू आपने कैलकुलेट कर ही लिया स्टेप नंबर फोर में, तो यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगी, डी डी कितना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, ये चीज़ निकल जाएगी। तो अभी आपने डी दो जगह निकाला, एक तो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को यूज करके डेप्थ निकाला, दूसरा आपने डेप्थ निकाला बाई यूजिंग द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से आप डेप्थ निकाल रहे हो, इट इज द मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड, मतलब इतना तो आपको कम से कम डेप्थ प्रोवाइड करना ही करना है जो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो हम डेप्थ जो डेप्थ हम कंसिडर करके डिजाइन कर रहे हैं वो कौन सा डेप्थ था, ये डेप्थ हम कंसिडर करके अभी हम डिजाइन को प्रोसीड किए थे और ये डेप्थ हम प्रोवाइड किए थे कौन सा, फ्रॉम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। तो ये वाला डेप्थ का जो भी वैल्यू है इस वैल्यू से, ये इस स्टेप में जो वैल्यू निकला है, ठीक
ठीक है, इन स्टेप नंबर फाइव कम होना चाहिए, मतलब दिस डी मस्ट बी लेस देन डेप्थ प्रोवाइडेड। तब क्या, तब आप सोचेंगे नहीं स्ट्रेंथ भी अपना सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये डेप्थ क्या निकल रहा है कि इतना बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट के लिए आपको मिनिमम इतना डेप्थ चाहिए चाहिए, समझ में आ रहा है। तो हम थोड़ा इससे हायर डेप्थ इन प्रैक्टिकल प्रोवाइड करेंगे ना, समझ में आ रहा है बात। ओके, तो दिस डेप्थ मस्ट बी लेसर देन द डेप्थ प्रोवाइडेड फ्रॉम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपको रीडिजाइन करना होगा, फिर से डेप्थ को कंसिडर करिए फ्रॉम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, फिर से थोड़ा कुछ डेप्थ को बढ़ाइए, उसके बाद फिर डिजाइन करते हुए आइए, फिर बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट वगैरह सब चीज निकाल के, एल इफेक्टिव वगैरह निकाल के, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट वगैरह निकाल के, फिर उसको एमयू लिमिटिंग से इक्वेट करके फिर डेप्थ निकालो। अब देखो क्या अब ये जो डेप्थ कैलकुलेट हो रही है, ये पहले जो डेप्थ आपने कंसिडर करके डिजाइन कर रखा है उससे कम आ रही है या ज्यादा। अगर कम आ रही है तो ठीक है, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे रीइन्फोर्समेंट कैलकुलेशन करके रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। अगर ज्यादा आ गई फिर से रीडिजाइन करेंगे। क्रोनोलॉजी समझ में आया, ठीक है। तो एक नोट बना के यहाँ पे लिखिए आप नोट, डेप्थ कैलकुलेटेड हियर, डेप्थ कैलकुलेटेड हियर शुड बी, ये सेम पैटर्न हम सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के डिजाइन में भी यूज करते हैं ना, डेप्थ कैलकुलेटेड हियर शुड बी लेस देन डेप्थ एज्यूम्ड यूजिंग डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। इफ नॉट देन रिपीट द डिजाइन, इफ नॉट देन रिपीट From repeat from step वन टू, कहाँ तक पहुंचे थे भाई अभी तक, लास्ट स्टेप अपना गया था स्टेप वन टू फाइव, लिख लो स्टेप वन टू फाइव, फिर से रिपीट करो। और जब तक वो जो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से डेप्थ आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपका जो एज्यूम डेप्थ है फ्रॉम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया उससे कम ना आ जाए, तब तक आपको ये प्रोवाइड करते रहना डेप्थ। फिर जब ये वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कम वाली, तो फिर बस वो डेप्थ को फिक्स करो, इफेक्टिव डेप्थ को, है ना, ओवरऑल डेप्थ फिर डिसाइड करिए, नॉमिनल कवर और डाया बार को मतलब कंसिडर करके एज्यूम करके, फिर रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट कर लेंगे स्टेप सिक्स में इजीली, मेन रिइंफोर्समेंट है ना, कैलकुलेट एएसटी कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो एक एएसटी का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, कैलकुलेट एएसटी, वो एएसटी का फॉर्मूला किया था, एएसटी इक्वल टू 0.5 एफसीके बीडी डिवाइडेड बाय एफवाई, 1 माइनस 4.6 बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट डिवाइडेड बाय एफसीके बीडी स्क्वायर। आपको बी मालूम, डी मालूम, बीएमयू मालूम, सब चीज तो मालूम, बस क्या कैलकुलेट कर लेंगे एएसटी, जो भी एएसटी आएगा उसको फिर चेक लगाना है, किस चीज के लिए, मिनिमम एएसटी के लिए, है ना, चेक फॉर एएसटी मिनिमम, चेक फॉर एएसटी मिनिमम, मतलब ये जो भी एएसटी है ये मिनिमम एएसटी से ज्यादा होना चाहिए, अगर उससे भी कम है तो आपको मिनिमम प्रोवाइड करना है, चेक फॉर मिनिमम स्टील, मिनिमम स्टील क्या, वही 0.15 और 0.12%, 0.15 फॉर माइल्ड स्टील एंड 0.12% फॉर व्हाट, फॉर योर एचवाईएसडी स्टील, चेक फॉर मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिंग रिक्वायरमेंट, एंड प्रोवाइड स्पेसिंग फॉर एज्यूम्ड डाई ऑफ बार, अपने डाई ऑफ बार को भी एज्यूम कर रखा है अभी फिलहाल, है ना, एज्यूम्ड डाया ऑफ बार, कब एज्यूम किया था डाया ऑफ बार को, कौन से स्टेप में, अरे भाई जब हम ओवरऑल डेप्थ निकाल रहे थे, तो वहां पे हमने एज्यूम कर लिया था। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर एट में ये हो गया मेन रिइंफोर्समेंट का, फिर प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील,
विथ प्रॉपर इन्फोर्समेंट, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल प्रोवाइड कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद स्टेप नंबर 9, लास्ट स्टेप, रीइन्फोर्समेंट को अच्छे तरीके से डिटेल करिए। रीइन्फोर्समेंट डिटेलिंग हो गया, सिंगली रीइन्फोर्स स्लैब का डिजाइन कंप्लीट। अब ये रीइन्फोर्समेंट डिटेलिंग में क्या है, तो चलिए एक नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ अपने को डायग्राम बनानी होगी, है ना, रीइन्फोर्समेंट वगैरह शो करना होगा, तो डायग्राम आपको देखना है। स्लैब में किस तरह से रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका स्लैब का एक पैनल है ना, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, मान के चलो बहुत बड़ा होगा, तो किसी एक पर्टिकुलर पैनल वाले पोर्शन को अपन डिजाइन करके दिखा रहे हैं आपको, मतलब उसमें रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करके दिखा रहे हैं, उसी जैसा सभी में प्रोवाइड होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, मान लीजिए कंटिन्यूअस स्लैब थी, है ना, दिस वाज योर कंटिन्यूअस स्लैब, तो ये आपका एक सपोर्ट हो गया, दिस इज योर वन सपोर्ट, और लेट्स सपोज एक सपोर्ट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ये कंटिन्यूअस स्लैब है, तो आपका यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट, दो सपोर्ट्स मैंने आपको दिखा दिए, ये पहला स्पैन आपने देखा, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्पैन। नाउ जो आपने मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी होगी, ठीक है, वो कैसे प्रोवाइड कर रखी होगी, देखिए मेन रिइंफोर्समेंट बॉटम लेयर में होगा, इस तरह से कुछ अपने मेन रिइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर रखा होगा। देखिए मैं कुछ रिइंफोर्समेंट को सपोर्ट के अंदर भी लेके गया हूँ, ये इसका क्या पर्पज है, एंकरेज, है ना, एंकरेज, बॉन्ड एंड एंकरेज वाला चैप्टर आपने पढ़ रखा है, वही चीज है, इसलिए मैंने ये सपोर्ट के अंदर भी कुछ रिइंफोर्समेंट को लेके गया, कुछ क्या बोल रहा हूँ, कुछ, अब वो कुछ क्या है अभी आपको समझ में आएगा। देखिए तो ये जो आपने मेन रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट किया है, इसको आप क्या कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एएसटी पॉजिटिव, है ना, एएसटी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए आपने कैलकुलेट कर रखा है, दिस इज योर एएसटी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करो, तो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग भी आप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए होंगे कि नहीं किए होंगे, किए होंगे, तो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग रिइंफोर्समेंट कहाँ पे अपने को प्रोवाइड करना है, सपोर्ट लोकेशन पे, है ना, और सपोर्ट लोकेशन में किधर, ऊपर के साइड प्रोवाइड होगा इधर, ठीक है, सपोर्ट लोकेशन पे ऊपर की तरफ प्रोवाइड होगा। ये जो रिइंफोर्समेंट आप यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, इसको हम लिखेंगे एएसटी माइनस लिख देंगे, मतलब हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग ये रिइंफोर्समेंट है, समझ में आ रहा है, इसको लिख दिया हमने क्या, एएसटी माइनस। देखिए ये सब चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग आपको बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, है ना, मतलब ये जो एएसटी माइनस वाला रिइंफोर्समेंट है, ये किस कौन से बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग है, जो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आपने निकाला था, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ये एएसटी प्लस वाला रिइंफोर्समेंट किसके करस्पॉन्डिंग है, जो पॉजिटिव सैगिंग बेंडिंग मोमेंट निकाला था उसके करस्पॉन्डिंग ये रिइंफोर्समेंट आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेंगे, ये सपोर्ट का सेंटर लीजिए, ये सपोर्ट का सेंटर, फिर ये वाले सपोर्ट का सेंटर लीजिए, कंटिन्यूअस सपोर्ट का, देखिए ये पहला सपोर्ट है, दिस इज योर फर्स्ट सपोर्ट, है ना, जो कि सिंपल सपोर्ट है, और ये कंटिन्यूअस सपोर्ट है, कंटिन्यूअस सपोर्ट, तो हॉगिंग रिइंफोर्समेंट जो हमने प्रोवाइड कर रखा है वो कंटिन्यूअस सपोर्ट पे प्रोवाइड कर रखा है, क्योंकि वहीं के लिए हमने हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट निकाला था, ठीक है। अब देखिए जैसा हमने कंटिन्यूअस सपोर्ट के ऊपर हॉगिंग रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, जो अपना सिंपल सपोर्ट है ना, ये पहला वाला, इसके ऊपर भी कुछ यहाँ पर रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे, है ना, यहाँ पर भी कुछ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो रिइंफोर्समेंट होगा, अच्छा सबसे पहले और एक चीज़ देख लो, इफेक्टिव लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेट सपोज आपने इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर रखा है, दिस विल बी योर एल इफेक्टिव, ठीक है, ये आपने एल इफेक्टिव कैलकुलेट कर रखा होगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे जो सिंपल सपोर्ट है मेरा, सपोर्ट नंबर 1, इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ रिइंफोर्समेंट। अब ये रिइंफोर्समेंट मैं कितना प्रोवाइड करूंगा, तो ये रिइंफोर्समेंट मैं प्रोवाइड करूंगा, ध्यान से देखना, एएसटी प्लस बाई 2, इसको बोलूंगा एएसटी प्लस बाई 2, मतलब जो पॉजिटिव टेंशन स्टील मैंने कैलकुलेट किया है उसका आधा रिइंफोर्समेंट मैं यहाँ पे ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा सिंपल सपोर्ट के ऊपर, एएसटी प्लस बाई 2, ठीक है।
अब ये कितने, यहाँ पे मैंने कुछ ही लेंथ तक प्रोवाइड किया है, तो वो लेंथ कितना है? ये आपका फेस ऑफ सपोर्ट है कि नहीं? इसे हम क्या बोलेंगे? फेस ऑफ सपोर्ट, फेस ऑफ सपोर्ट। ओके, तो सपोर्ट के अंदर तो कुछ अंदर तक ये रिइंफोर्समेंट जाएगी जाएगी, आप सेंटर ऑफ सपोर्ट तक इसको अंदर लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहर कितना होना चाहिए वो जरूरी है। फेस ऑफ सपोर्ट से ये जो लेंथ है बाहर, फेस ऑफ सपोर्ट से 0.1L, 0.1 टाइम्स L मतलब क्या? इफेक्टिव लेंथ है ना, 0.1L इतना बाहर होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है? अब देखिए उसके बाद यहाँ पे ये टेंशन स्टील, जो मेन टेंशन स्टील है ये देखिए, देखिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप देखते हो सिंपली सपोर्टेड बीम का, लॉजिक देखना, लॉजिक क्या है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है? ऐसा, इस तरह से कुछ है ना। अब इसी बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है मेंबर में, तो जो रिइंफोर्समेंट हमने डिजाइन किया वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग डिजाइन किया है भाई। तो मतलब ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितने, सेंटर के आसपास ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ना। उससे जब, क्योंकि आप जैसे जैसे सब सेंटर से दूर जा रहे हो आपका बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज हो रही है, कहीं ना कहीं हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो अगर ऐसी बात है तो जो रिइंफोर्समेंट मैंने कैलकुलेट कर रखा है तो वो थ्रू आउट द लेंथ, अब स्पैन मेरे को प्रोवाइड करने की जरूरत क्या है? मैं थोड़ा रिइंफोर्समेंट काट भी तो सकता हूँ। तो यहाँ पे कर्टेलमेंट की कॉन्सेप्ट यूज की जाती है, रिइंफोर्समेंट को कट कर दी जाती है। लेट्स सपोज कुछ रिइंफोर्समेंट मैंने यहाँ से कट कर दिए टेंशन स्टील, और कुछ मैंने यहाँ से कट कर दिया। तो अब ये डिस्टेंस क्या है? देखिए कर्टेलमेंट का डिस्टेंस आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब कितना कट करेंगे? जो यहाँ पे आपने एएसटी प्लस प्रोवाइड कर रखा है तो यहाँ अंदर जाएगी कितनी? अब जाएगी उसकी आधा, मतलब आधा आधा सरिया आप काट दीजिए एएसटी प्लस बाई टू। सिमिलरली इधर भी जाएगा आधा, मतलब एएसटी प्लस बाई टू। समझ में आ रही है? ये ऐसे जाएगी। अब जो सिंपल सपोर्ट है ना, ये देखो पहला नंबर सपोर्ट जो है सिंपल सपोर्ट है, उसके सेंटर से लेके अगर ये डिस्टेंस देखोगे तो दिस डिस्टेंस मस्ट बी जहां पे आपने कर्टेलमेंट किया है, लोकेशन ऑफ कर्टेलमेंट, इसलिए मैंने कट वाला सिंबल डाला है, कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट। सिंपल सपोर्ट से 0.15 टाइम्स इफेक्टिव लेंथ पे आप काट दोगे। जो आपका कंटिन्यूअस सपोर्ट है, कंटिन्यूअस सपोर्ट के सेंटर से है ना, के सेंटर से 0.25L पे हम काट देंगे। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हुआ? और देखो जो आप सिंपल सपोर्ट के ऊपर टेंशन साइड में, मतलब सिंपल सपोर्ट के ऊपर कंप्रेशन साइड में जो एएसटी प्लस बाई टू प्रोवाइड कर रखे हो, इसका लेंथ का मेजरमेंट हो रहा है फ्रॉम फेस ऑफ द सपोर्ट। ये ध्यान रखना कि फेस ऑफ द सपोर्ट से 0.11L है, और यहाँ पे ये जो 0.15L और 0.25L हमने दिया है सेंटर ऑफ सपोर्ट से दिया है। ये सारा चीज पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है? ये डिटेलिंग के ऊपर ये चीजें पूछ सकती हैं। तो जिस तरह से ये हो गया टेंशन रिइंफोर्समेंट का है ना, पॉजिटिव टेंशन रिइंफोर्समेंट का। सिमिलरली ये जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट एएसटी माइनस प्रोवाइड कर रखा है अपन ने, क्या ये भी मतलब सारा प्रोवाइड करेंगे क्या? नहीं यार, कुछ ही डिस्टेंस तक नेगेटिव मूवमेंट रहती है, उसके बाद नेगेटिव मूवमेंट की मैग्नीट्यूड भी कम होती है, तो इसको भी काटेंगे। तो इसको काटने का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए इसमें फिर फेस ऑफ द सपोर्ट से चलेगा सारा सिस्टम है ना, फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट, फेस ऑफ सपोर्ट। देखिए क्या सिस्टम है फेस ऑफ सपोर्ट से, फेस ऑफ सपोर्ट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आप ले लीजिए और वो डिस्टेंस आपका 0.15L है ना, 0.15 इंटू इफेक्टिव लेंथ फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट। यहाँ पर रिइंफोर्समेंट को काट देंगे, कितना काट देंगे? एएसटी माइनस यहां तक आएगा, तो इसके आगे कितना जाएगा फिर? एएसटी माइनस बाई टू जाएगा इसके आगे, और ये आगे एएसटी माइनस बाई टू कितने लेंथ तक जाएगा? ये लेंथ के लिए भी बोला है नेक्स्ट 0.15L तक। समझ में आ रहा है? ये जैसे हमने फेस ऑफ सपोर्ट से इस तरफ गए, सिमिलरली फेस ऑफ ये वाले फेस ऑफ सपोर्ट से, मतलब ये पहला फेस ऑफ सपोर्ट, ये दूसरा फेस ऑफ सपोर्ट हो जाएगा सेकंड फेस, तो उसके इस तरफ भी उसी तरह से करेंगे, मतलब ये 0.15L 0.15L। समझ में आ रही बात?
इस तरह से हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट एंड रिइंफोर्समेंट अबव द सिंपल सपोर्ट, इस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं फॉर ए व्हाट वन वे स्लैब। ये रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग किसके लिए है? वन वे स्लैब के लिए। समझ में आ रहा है? तो जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस पहले आते थे ना, उसमें यही चीज मेन करवाने के लिए कन्वेंशनल क्वेश्चन वो लोग डालते थे कि सरिया को कैलकुलेट करके आप रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग करिए, 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते थे। ओके, तो आप ये समझ के ध्यान में रखिए, ये वैल्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं 0.15L या 0.25L। तो ये आपका सिंपल सपोर्ट, इसको मैं सिंपल सपोर्ट बोल रहा हूँ, और इसको मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम कंटिन्यूअस सपोर्ट, है ना। तो आपको ये कीवर्ड यूज करेंगे, सिंपल सपोर्ट या कंटिन्यूअस सपोर्ट, है ना, कंटिन्यूअस सपोर्ट। ठीक है, मेक दिस पर्टिकुलर डिटेलिंग डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका था रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल्स विल बी अवेलेबल टू यू ऑल। अब एक चीज देखिए, जब आपने डिजाइन किया था, ठीक है, जब आपने डिजाइन किया था तो हमने क्रॉस सेक्शन कैसा कंसिडर किया था? इस तरह का क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया था जिसमें ये 1000 mm थी, 1000 mm, और जो भी आपका ओवरऑल डेप्थ होना था वो ओवरऑल डेप्थ था। अभी इस वाले क्रॉस सेक्शन में हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया ना, इस वाले क्रॉस सेक्शन में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया। तो अब देखिए, लेट्स सपोज मैं रिइंफोर्समेंट आपको दिखा रहा हूँ, एक रिइंफोर्समेंट ऐसा हो गया। मुझे ये बताइए इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ सरिया हैं? तो अगर आप ऐसे बोलोगे तो टोटल नंबर ऑफ सरिया अगर आपको इस 1 meter में अगर पूछूं तो effective number of bar इन दिस पर्टिकुलर 1 meter width इज 4, है कि नहीं? 1 meter का इस वाले पट्टी में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ सरिया है वो 4 है, क्योंकि अच्छा 3 है, 3 सरिया यहाँ पे, है ना। देखो ये 2 तो कंप्लीट आ रहा है, ये वाले 2 कंप्लीट आ रहे हैं, फिर इसका आधा और इसका आधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? तो इफेक्टिव नंबर ऑफ बार विल बी 3 नंबर ऑफ बार्स। 4 में क्यों क्यों बार बार बोल रहा हूँ यार, वो 4 दिख रहा है ना, इसलिए 4 बोल दे रहा हूँ। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ बार इज 3। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेकेंड चीज मैं बोलता हूँ स्पेसिंग का, स्पेसिंग कैसे निकालेंगे? अगर मेन जो बेसिक फॉर्मूला है उसको यूज करके स्पेसिंग ऑफ बार कैसे निकालेंगे? जब आपने AST कैलकुलेट कर लिया, आपको डायामीटर ऑफ 1 bar मालूम होगा, है ना, तो AST डिवाइडेड बाई डायामीटर ऑफ 1 bar आपको टोटल नंबर ऑफ बार निकल जाएगी। तो वो टोटल नंबर ऑफ बार हमें 1000 mm में प्रोवाइड करनी है ना, 1000 mm लेंथ डिवाइडेड बाई व्हाट टोटल AST जो आपने निकाला, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन स्टील, पाई बाई 4 इंटू 5 का स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो भी स्पेसिंग आई है, इस स्पेसिंग को फिर हम चेक लगाते हैं। किससे चेक लगाएंगे? 3 times D और 300 mm, विच एवर इज लेस, उससे चेक लगाना है ना, क्योंकि ये स्पेसिंग उनसे भी ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो इस तरह से चेक वेक लगा के फिर हम स्पेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब जो आपको बचता है वो बचता है टू वे स्लैब, है ना। तो टू वे स्लैब के हम बेसिक कंसेप्ट को नेक्स्ट 40 मिनट्स में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, एक 40-50 मिनट का क्लास में टू वे स्लैब को देखेंगे। आज ही आपको वो क्लास भी अवेलेबल हो जाएगी, उसके बाद अपन चलेंगे, आप पढ़ेंगे फुटिंग और कंप्रेशन मेंबर, 2-3 टॉपिक है, उसको जल्दी से ये 4-5 दिनों के अंदर ख़त्म करके, अधिक से अधिक 3-4 दिन लगेंगे उसमें ख़त्म हो जाएंगे ये सारे टॉपिक आपके। इसके बाद हम स्टील का लाइव क्लास शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, जय हिंद।